यजेकेल 8 परमेश्वर के विषय यजेकेल का द्वितीय दर्शन। फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर के नीचे की ओर आग है और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका उत्तर की ओर मुँह है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहाँ इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आँखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आँखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डा उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित वस्तुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र याजनिया भी है, वे इन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई तमूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनमें से भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा की भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित काम का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं और उनमें डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, न मैं दया करूँगा और न मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊँचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी नहीं सुनूँगा। थैंक यू।